अपने ऑप्शन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या है, r² - 2r - 2। अगर इसको फैक्टराइजेशन करेंगे तो रूट्स में सॉल्व करना पड़ेगा, मुश्किल पड़ेगा क्वेश्चन। इसमें बढ़िया सबसे इजी रहेगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या बोलता है, d = b² - 4ac। अब हमें कैसे पता लगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब देखो r की हाईएस्ट पावर 2 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, साफ पता लग रहा है। b मतलब कि -2 का स्क्वायर, a की वैल्यू यहाँ पे है 1, c की वैल्यू है -2। माइनस माइनस हो जाएगी प्लस, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8। -2 का स्क्वायर 4, आंसर आ गया 12, लेकिन सिर्फ d की वैल्यू आई है। उसके बाद हमें क्या करना होता है, हमें r निकालना है, एक्स वाई जो भी दे रखा हो। फॉर्मूला बनेगा माइनस का b प्लस माइनस रूट d डिवाइड में 2a। b की वैल्यू -2 है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, एक बार प्लस का रूट डी लो, अब प्लस का 12 अंडर रूट 12, a की वैल्यू 1 है तो बन गया 2 × 1, माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 12 डिवाइड में 2। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अंडर रूट 12 सिंपल, प्राइम फैक्टर कर दो 6। प्राइम फैक्टर में आप नोटिस करो यहाँ पे कि अंडर रूट 12 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 × 2 × 3, तो ये बन गया 2 का स्क्वायर और अंडर रूट 3 कट गया। ये अंडर रूट 12 को हम लिख सकते हैं 2√3, हम यहाँ पे लिख सकते हैं अंडर रूट 12 की जगह 2√3 डिवाइड में 2। 2 यहाँ से कॉमन आ सकता है, 2 यहाँ से कॉमन आ गया, क्या बचेगा 1 + √3 डिवाइड में 2, 2 से 2 कट गया, 1 + 1.73, ये रूट 3 की वैल्यू होती है, 1 + 1.73 होता है 2.73 ओम, ये हमारा आंसर है। फिर आप कहोगे आपने माइनस तो पुट किया, ये नहीं, हाँ नहीं किया, कर लो माइनस पुट। अब माइनस रूट, अब एक बात तो माइनस वाली टर्म बड़ी आ जाएगी ना, यहाँ पे सेम आंसर आएगा, यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा पूरा आर का 1 - √3 बचे, तो नेगेटिव आंसर आएगा। रेजिस्टेंस कोई भी नेगेटिव नहीं हो सकता, एक्स नहीं है, सिंपल रेजिस्टेंस आ रही है यहाँ पे, और रेजिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, तो आपका राइट आंसर आएगा 2.73 ओम।